बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सुन लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहला पार्ट आता है उस जिसमें वायरिंग का डिसमेंटल किया था हम लोगों ने, और सेकंड डे में और सेकंड पार्ट में कुछ प्लांट्स के और डिटेल के बारे में हम जानेंगे, जो क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, किस चीज़ की सेफ्टी कर सकते हैं। तो जैसे कि प्लांट डिसमेंटल करने से पहले कुछ और भी लोड सेल की सेफ्टी और एग्रीगेट स्केल की उसकी कैसे करेंगे, उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसे यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे ये प्लांट डिसमेंटल के चार पांच पार्ट या छह पार्ट में जो भी वीडियो आएंगे, आप भी को यदि डिसमेंटल करना है तो उसको आप वन बाय वन सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। तो वहाँ के माध्यम से उस प्रकार से आप पूरे प्लांट का डिसमेंटल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर, देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से करना है। तो अभी यहाँ पर हम शुरू करेंगे एग्रीगेट स्केल से। सबसे पहले तो एग्रीगेट स्केल को लॉक कर देंगे, जो लोड सेल है उस पर लोड एग्रीगेट स्केल का ना हो। बकेट तो ऑलरेडी हम लोगों ने लॉक पहले कर लिया है, तो यहाँ पे ये जैसा लोड सेल है ये ऐसे फ्री होना चाहिए। चारों लोड सेल जो चार लोड सेल लगते हैं एग्रीगेट वेट स्केल में, ये चारों फ्री होना चाहिए। जब हम इसको लगाएंगे, जब उसको वहाँ पर यूज करना होगा, उस कंडीशन में हमको सभी लोड सेल पर प्रॉपर लोड देना होगा। तो इस तरह से सबको चेक कर लें कि सब फ्री हैं कि नहीं। और उसके बाद हम चलते हैं आगे, तो सीमेंट स्केल और वाटर स्केल का जो सिस्टम है वहाँ पे कैसे लॉक करेंगे। तो वहाँ का भी सिस्टम ऐसा है, बोल्ट का सिस्टम है, और इसको जैसे हम टाइट करेंगे और यहाँ से लोड सेल धीरे धीरे फ्री होने लगेगा। तो हमको ज़्यादा फ्री नहीं करना है, सिर्फ लोड सेल पर वेट ना रहे, यानी लोड सेल जो डैमेज होने के चांस नहीं रहे, फ्री होना चाहिए लोड सेल। तो यहाँ पर हम इसको टाइट करते हैं, थोड़ा और फ्री हो जाए, उसके बाद इसका लॉक लगा देंगे। लॉक के लिए एक यहाँ से अभी देखिए ये रिंग फ्री हो गया है। तो अभी इसके ऊपर यहाँ पे उसी बोल्ट के हेड में जो है वहाँ पे होल है, उसमें थ्रेड है। तो इस तरह का एक बोल्ट लगाने हैं, तो जिसमें जितने लोड सेल हैं सब जगह यहीं प्रोसेस करना है। तो इस प्रकार से पूरा सीमेंट का जो स्केल है वो लॉक हो जाएगा, और वाटर का जो स्केल है वो भी लॉक हो जाएगा। तो इसी तरह से वन बाई वन सभी को लॉक कर लेना है। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक और ये वाटर का है, तो इसको भी लॉक कर लेंगे। तो वाटर का लॉक करना है, सबका फ्री करके लॉक करना है। ऐसे लॉक करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे नुकसान हो जाएगा लोड सेल का। लोड सेल जब यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होता है उस कंडीशन में कहीं झटके लगें और लोड सेल डैमेज ना हो, इसके लिए इसको लॉक करते हैं, लोड सेल की सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से सबको लॉक कर लिए हैं, और यहाँ भी बाकी लोड सेल सब लॉक हैं, तो वन बाय वन सबको कर लिए हैं। तो अब यहाँ से जो ऊपर साइड से जो साइक्लोन के लिए होस पाइपें गई हैं, दोनों साइड लगी हैं, उसे खोलने का काम शुरू किए हैं। तो यहाँ से जो दो होस पाइपें हैं, इसको खोलने के बाद इसको नीचे उतार लेना है। और उसके बाद जो साइक्लोन फिल्टर दो साइड लगे हैं, अब इसको खोलना है, तो इसको भी वन बाय वन सबको उतारना है। दो लगे होते हैं, कहीं पे छोटा प्लांट है तो वन से भी काम हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रा की ज़रूरत पड़ती है अब यहाँ से, तो यहाँ पे अभी बड़ी क्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब छोटे छोटे काम जो होते हैं ये हो जाते हैं जब साइलो डिसमेंटल करना होगा और प्लांट का फोल्डिंग करना होगा या लोडिंग करना होगा, उस समय बड़े क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे उसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो इस तरह से एक उतार लें, अब दूसरे को भी उतार लेंगे। तो इसको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ उतारना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लॉथ का फिल्टर है और इसके अंदर कोई वेट ज़्यादा नहीं होता, इसमें काफ़ी बड़ी क्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी हल्का वेट का होता है सिर्फ। और इसके अंदर क्लॉथ का और उसके अंदर जो भी एयर के माध्यम से जो सीमेंट उड़ता है और इसके अंदर से कलेक्ट होकर वापस मिक्सर में चला जाता है। तो ये इसको एक तरह से सीमेंट का जो फाइंस मटेरियल उड़ता है या डस्ट कलेक्टर कहिए, तो इसको वापस रिटर्न वापस चला जाता है मिक्सर में, जिससे नुकसान नहीं होता। अब यहाँ पर वाटर पाइप लाइन जो है इसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से तो उसके बाद नंबर आएगा एडमिक्सचर मोटर का। तो कनेक्शन खोलने के बाद तो कनेक्शन पे चाहे तो नंबरिंग कर लें चाहे ना करें, वहाँ पे दो मोटर लगनी है, दो वायर आनी है, तो वहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर जो पहले मोटर चल गई वो एक नंबर होगी, जो बाद में चल रही दो नंबर से वो दो नंबर होगी, चाहे कोई किसी साइड लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और यहाँ से अब हम इस पे जो स्किप बकेट आता है उसके रेलिंग के साइड में दो जालियाँ लगती हैं, इसे भी हटाएंगे और दोनों जालियों को जोड़ने के लिए एक पाइप लगती है, जो पाइप ऑलरेडी हमने हटा लिया है। तो वहाँ पे हाइड्रा से लॉक करने के बाद बोल्ट को खोलना है, बोल्ट खोलने के बाद हाइड्रा से एक एक जाली आसानी से नीचे उतार सकते हैं। तो अभी ये टॉप की जाली है, यहाँ पे तीन जालियाँ लगती हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। तो यहाँ तीनों जालियाँ सेम नहीं होती हैं, आपको यदि जाली है तो लेफ्ट राइट का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है, जो ग्राउंड में टॉन बॉटम पोजीशन पे आनी है वो बॉटम पे आएगी, जो मिडिल में आनी है वो मिडिल में आएगी, जो टॉप पे आनी है वो टॉप पे आएगी। यहाँ कोई कन्फ्यूजन वाले यहाँ पे नहीं होता है इसमें सिस्टम। तो ये बड़े प्लांट में जाली लगता है और कई प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर जाली का यूज नहीं होता है। तो ये स्विंग स्टेटर 2.5 का हम लोग डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, तो इसमें जाली लगी है और दोनों साइड की जाली एक साइड की उतर गई, दूसरे साइड की उतार रहे हैं, तो दो इस साइड की एक जाली और बची है, तो यहाँ से उसे भी उतार लेंगे। तो यहाँ पे एक सरिये का हुक टाइप बनाएं जिससे आसानी से उसमें उतर जाता है, और कोई डिसाइकिल वगैरह का यूज नहीं है क्योंकि ये जाली भी काफ़ी हल्की होती है, आसानी से उतर आता है। अब उसके बाद यहाँ से फोल्डिंग का काम शुरू करेंगे, जिसमें जो प्लेटफार्म फोल्डिंग होता है तो ऊपर की एक रेलिंग जो होती है, तो ये नीचे से इसको खोलेंगे और ऊपर वाली एक रेलिंग हटाएंगे, बाकी जो रेलिंग है वो सब फोल्डिंग हो जाती है। तो अभी यहाँ पे जो केबल का काम है, तो इधर से केबल का भी काम हो रहा है, इसको भी इसमें जो बोरी लपेट के और इसको भी फोल्ड करके ऊपर टांग देंगे, जिससे कि वो सेफ्टी से केबल चला जाए। तो इधर बोल्ट जैसे खुल जाएगा तो इसको प्लेटफार्म को डाउन करेंगे। तो इसमें जो बोल्ट होते हैं, तो ये यहाँ पे नीचे जो बड़े बोल्ट लगते हैं और जो रेलिंग में होते हैं वो छोटे बोल्ट लगते हैं। तो ये जो रेलिंग खोल रहे हैं, तो ये साइड की एक रेलिंग होती है जो छोटी सी, इसको उतारना पड़ेगा, ये फोल्डिंग नहीं होगा और फोल्डिंग की पोजीशन पे वो रहेगा रेलिंग। देखिए अभी रेलिंग हट गई है, तो यदि वो रेलिंग रहेगा तो फोल्डिंग के समय वो जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब हम लोड करेंगे तो बीच में आएगा और इसको फोल्डिंग में भी प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह से अभी आसानी से फोल्ड हो जाएगा पूरा, और इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसको इरेक्शन करना होगा, सिर्फ यहाँ पे इसको लगा के स्ट्रेट करके फिर वहाँ पे बोल्ट लगा देने, आसानी से ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी यहाँ तक का डिसमेंटल का काम है ये पार्ट टू में, और इसके बाद जो आगे की वीडियो आएगी वो कन्वेयर बेल्ट पे या किसी और पार्ट का जो सेलो डिसमेंटल का है, तो देखते हैं किस पे आएगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।